औरंगाबाद से कुंदन मिश्रा जी हैं फेसबुक पर, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई शूद्र है और वो सात्विक है तो क्या, और उसकी इच्छा भी है कि दूसरे वर्ण में मैं चला जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, तो क्या वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हमारा ये कहना है कि बन भी जाए तो इतिहास तो उसका लगा रहेगा ना, कि ये पहले शूद्र था फिर ये अमुक बना है। बन जाने से उसका जो शूद्र घर में जन्म लेना है उसका इतिहास तो उसके साथ लगा ही रह जाएगा, इसलिए बन जाने का कोई लाभ नहीं। हमारे यहाँ ये बात व्यवस्था बताई गई है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये चारों वर्ण हैं। इन चारों वर्णों में अवांतर वर्ण होते हैं, माने ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण हो गया वो तो ठीक है, लेकिन फिर कर्म के आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण होगा। अगर वो ब्राह्मण हो, घर में जन्म लेकर के ब्राह्मण ही कर्म करता है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण माना जाता है। अगर ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय कर्म करने लगता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय माना जाता है, कि जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म क्षत्रिय है। इसी तरह से अगर वो व्यापार व्यवसाय करने लगता है तो ब्राह्मण वैश्य माना जाता है, और अगर वो शूद्रों के कार्य करने लगता है तो ब्राह्मण शूद्र माना जाता है। ब्राह्मण में रहकर ही शूद्र की पहचान उसकी हो जाती है। उसी तरह से जैसे ब्राह्मण में हुआ ठीक उसी तरह से शूद्र में है। अगर कोई शूद्र में शूद्र धर्म का पालन करते हुए सात्विक हो गया, जैसे रैदास जी, दूसरे इसी तरह के उदाहरण हैं, ये शूद्र हैं लेकिन भगवत भक्त हैं, ज्ञानी हैं, अपने कर्म को भी कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। जैसे एक ब्राह्मण का ज्ञानी का सम्मान होता है वैसा ही उनका भी सम्मान हो गया। तो शूद्र में रहते हुए शूद्र सात्विक सूत्र जो होगा उसका ब्राह्मण जैसा सम्मान हो जाएगा, वो शूद्र ब्राह्मण तो नहीं होगा लेकिन सम्मान उसका ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, क्षत्रिय जैसा हो सकता है, वैश्य जैसा हो सकता है, या शूद्र में रह करके शूद्र जैसा भी रह सकता है। तो शूद्र में रहते हुए ही उसका उत्कर्ष हो जाएगा, उसका सम्मान हो जाएगा, उसको बाकी दूसरी चीज़ें उसी तरह की हो जाएंगी, उसको किसी और वर्ण में जाने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र में रह करके शूद्रों में भी अनेक ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से शूद्रत्व को बरकरार रखते हुए भी वो सम्मान पा सकता है।